तो हेलो एवरीवन, मैं रोशनी। तो आज का ब्लॉग फिर से मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो आरएस का फ़ोन है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कल वीडियो लेट से आया था, आप लोग 3 बजे देखे थे वीडियो, क्योंकि गाइस उसका जियो का सिम है और जियो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए आज हम अपना फ़ोन से ही शूट कर रहे हैं। और आरएस बोला हम एयरटेल का सिम वगैरह ले लेते हैं, फिर अच्छा से वीडियो बनाएंगे। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे अपना कुर्ती का कलेक्शन। और अगर आप लोगों को कोई सा भी कुर्ती पसंद आएगा तो आप लोग ले सकते हो इंस्टाग्राम में जाके मेरा चेक करके। सो गाइस, जो जो ऑनलाइन है वो भी बताएंगे, जो जो ऑफलाइन है वो भी बताएंगे। बहुत सारा कुर्ती है, बट अभी जितना है मेरे पास आप लोगों को उतना ही दिखाएंगे। और इधर उधर है अलमारी में, अलमारी को अच्छा से सरियाए नहीं है। तो चलिए अभी आप लोग बने रहिए, एक एक कुर्ती आप लोगों को दिखाते हैं। और मेरे पास मतलब पहन के हम नहीं दिखा सकते हैं गाइस, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। हो सके तो लास्ट में हम हर साइड में फ़ोटो लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कुर्ती का। तो अभी आप लोग बने रहिए, हम कैमरा सेट करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस जो पहने हुए हैं ये तो बहुत किसी के पास है, हम देखे हैं और अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये तो पिछला वीडियो में पहने थे ये वाला कुर्ती, इसमें आप लोगों को इस टाइप का पैंट मिलेगा। क्या बोलता है इसको, नाम याद नहीं आ रहा, स्ट्रेट पैंट शायद। और ये कुर्ती उल्टा पुल्टा करके रख दिए हैं सारा। ये स्लीवलेस मिलेगा, गर्मी के लिए ये बेस्ट है, आप लोग ले सकते हो। ये ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम के पेज से मुझे मिला है। इंस्टाग्राम में जाओगे तो हर एक कुर्ती का मिल जाएगा लिंक। ये भी इस तरह का पैंट है, उल्टा है, अभी हम सीधा नहीं कर पा रहे। और नीचे में इस तरह का काम किया हुआ मिलेगा आप लोगों को। और इसके साथ मिलेगा ये ग्रीन कलर का दुपट्टा, हम लास्ट में फोटो लगा देंगे इसका। और ये कुर्ती काफ़ी अच्छा है, गर्मी में पहन सकते हो, हल्का है, ज़्यादा हैवी नहीं है, बस स्लीवलेस नहीं है, ये फुल है बाजू इसका। ये भी ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम के पेज से लिए है। ये कुर्ती तो काफ़ी अच्छा है, ये आप लोग कहीं पे भी पहन सकते हो। इसका कपड़ा क्वालिटी एकदम मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इस तरह का आप लोग देख सकते हो। इसमें भी आप लोगों को पैंट मिलेगा, दुपट्टा मिलेगा, इसके साथ ये पैंट है, देख सकते हो। और दुपट्टा पिंक कलर का ही है, कहीं पे है नहीं मिल रहा हमको। ये कुर्ती तो मेरा फेवरेट, पहन पहन के इसको पुराना कर लिए हम। ये गर्मी के लिए ये बेस्ट है, देख सकते हो पिंक कलर का। मेरे पास अधिकतर आप लोगों को पिंक अधिकतर मिलेगा। ये सिर्फ ऑनली कुर्ती है, इसके साथ ये दुपट्टा और लेगिंग्स हम अलग से खरीदे हैं। ये ऑनलाइन है इंस्टाग्राम के पेज से, और ये ऑफलाइन दुकान से खरीदे हैं। अभी टाइम 12 पार हो गया है, खाना बनता है। सोचे थे आज वीडियो नहीं देंगे, फिर सोचे दे देते हैं, टाइम है तो। ये एक कुर्ती है ग्रीन कलर का, मुझे बहुत पसंद है ये देख सकते हो। ये ऑफलाइन है, यहाँ का मार्केट से लिए हैं ये। मेरे पास पिंक का कलेक्शन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेगा, साड़ी हो या फिर ड्रेस हो, पिंक बहुत अच्छा। ये रेड टाइप्स का पिंक है, बट ये पिंक है, रेड नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ये इसका नीचे आप लोगों को इस तरह का पाड़ मिलेगा, इतना चौड़ा, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद। आवाज थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं, आ रहा है अभी। और ये कल आया है ऑनलाइन, मैं चप्पल नहीं
बाहर होगा। वो अभी बाथरूम से आया है इसलिए इधर नहीं आया कैमरा में। ये कुत्ती को हम रिटर्न डालेंगे, आप लोग देख सकते हो। ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो जो चद्दर बेडशीट वगैरह होता है स्लिप टाइप का वो टाइप का है, जिससे हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये हम रिटर्न डालेंगे। इसका पैंट अच्छा है एंड दुपट्टा भी अच्छा है, बट ये कुर्ती हमको पसंद नहीं आया, ये रिटर्न डालेंगे। और ये तो बहुत किसी के पास है, चिकन करी कुर्ती। ये चिकन करी, जो ये चिकन करी नहीं है, ये धागा का काम किया हुआ है। ये है एल साइज, जब हम मंगाए थे एस साइज, आप लोग देख सकते हो एल, और हम मंगाए थे एस। आज हम लोग के इधर बहुत बारिश हुआ, आंधी आया, तूफान आया, अभी थोड़ा ठीक है मौसम। ये एक कुर्ती है, इसके साथ में पैंट है एंड एक दुपट्टा है। ये है इंस्टाग्राम के पेज से, और ये ऐसे ही है सूती का, घर में पहनने के लिए लिए। आप लोगों को रेड और पिंक मिलेगा मेरे पास। इसका हाथ इतना दूर है, सूती का है, गर्मी के लिए बेस्ट है इसलिए लिए थे। और मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो ये पार्सल आया है जो कि अनबॉक्सिंग करना है अभी, तो आप लोग अभी बने रहिए, हम थोड़ा देर के बाद इसको भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये मैसो से आया है कुछ, ये देखते हैं इसका अच्छा से अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। ये पार्सल को, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, ये एक साड़ी है जो कि इसका ब्लाउज स्टिच किया हुआ मिलेगा। सो देख सकते हो गाइस, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, इस टाइप का ब्लाउज है। और एक साइड पे इस टाइप का डिजाइन किया हुआ देख सकते हैं, इस टाइप का। और ये एक बेल्ट, और ये साड़ी। तो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये भी मतलब स्पॉन्सर प्रमोशन के लिए आया है, ये हम रिटर्न डालेंगे, ये हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका जो कपड़ा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फोटो में कितना अच्छा दिखता है बट रियल में वो होता नहीं है। मेरा माथा दर्द दे रहा है। तो इतना ही अभी आप लोगों को कुर्ती कलेक्शन दिखाए, और भी बहुत है बट खोजना पड़ेगा, फिर कभी दिखाएंगे। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है, क्या कलेक्शन देखना है मेरा कमेंट करके बताइएगा। चूड़ा कलेक्शन, इयरिंग कलेक्शन तो आप लोगों को दिखाए हैं, और टॉप कलेक्शन देखना है तो वो भी बताइएगा। और क्या है, और पता नहीं, अगर दोनों प्ले बटन जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आप लोग, गोल्ड प्ले बटन भी मंगवा दो जल्दी जल्दी से। सो गाइस, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऋतिक को भी दुकान में दे दिए हैं, आज कस्टमर वगैरह नहीं आया है क्योंकि बारिश हुआ और बहुत आंधी तूफान आया इसलिए नहीं, तो इस टाइम पे बहुत भीड़ रहता है दुकान में। सो गाइस चलिए, अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा शॉर्ट वीडियो देखना है तो इंस्टाग्राम ले जाके फॉलो कीजिएगा। और एक यूट्यूब चैनल है रोशनी राजू साधु, वो उसमें आप लोगों को मेरा हर एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा, तो उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो।
गाइस चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, और आगे से आज नहीं मिला पाए क्योंकि आगे से भी आया था बाथरूम से निकल के, तो हम नहीं बोले उसको कैमरा में आने के लिए। आज हम बीच मांग करके सिंदूर लगाए हैं, मेरा लुक कैसा लग रहा है। सो गाइस ये मेरा रियल फेस है, आप लोग देख सकते हो, नो फिल्टर नो कुछ। यहाँ पे मेरा दाग का प्रॉब्लम है, ये वाइट वाइट हो गया है। एक बार बहुत दिन पहले हुआ था, जिस टाइम हम लोग के पास इनकम वगैरह कुछ भी नहीं था, शायद उस टाइम फर्स्ट पेमेंट आया था 8,000 से 7,000, उसी से हम डॉक्टर दिखाए थे, पूरा वाइट वाइट हो गया था। अभी फिर से हो रहा है, तो उस टाइम पे बोले थे कि डैंड्रफ के कारण, बट मेरा डैंड्रफ हमेशा रहता ही है, और हम कुछ अच्छा शैम्पू वगैरह भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए बाल वगैरह कितना ख़राब हो गया है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग बोलते हो स्ट्रेट करा लो, बट हमको डर लगता है और कहीं बाल वगैरह उड़ ना जाए, क्योंकि मेरा बाल बहुत अभी पतला हो चुका है, इसीलिए स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं, कराएंगे बाद में, बाल को थोड़ा मोटा कर लेते हैं। कौन सा शैम्पू एंड कौन सा तेल बेस्ट होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो आप लोग खुद यूज करते हो वो। अभी हम नारियल का तेल लगाते हैं, और अभी हम बाल में तेल लगाते हैं, डॉक्टर बोला है तेल लगाने के लिए, नहीं तो हम कभी भी बाल में तेल नहीं लगाते थे। और गाइस कुछ मैं बोल रही थी, भूल गई, ये जो दाग सब है ये चल गया था उनका क्रीम लगाने से, बट डैंड्रफ मेरा नहीं गया था, और एक दो साल पहले हुआ था, अब फिर से हो रहा, तो शायद फिर से दिखाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे सादा जरूर। अभी लाइन इतना आंधी तूफान आया, सोचे लाइन नहीं आएगा, बट लाइन आ गया है, हम नेल पेंट किए और हट भी किए, आप लोग देख सकते हो। और ये जो स्किन इस तरह हो गया है मेरा, पानी का कमी की वजह से, स्लाइम वगैरह चढ़ा है, फिर भी पानी का कमी है बहुत ज़्यादा। सारा दिन में 5 लीटर पानी पीने के लिए बोला है, और हम पीते हैं कम से कम 2 से 3 गिलास सारा दिन में। पानी पीना बहुत जरूरी होता है, और हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो वॉमिटिंग हो जाता है, इसीलिए हम नहीं पीते हैं ज़्यादा पानी। अभी ग्लूकोंडी वो पीते हैं 1 गिलास, उसके बाद 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं। और आप लोग बस कोई कमेंट करते हो पतले हो गए हो, हड्डी हो गए हो, कोई नहीं, समय के साथ। मेरा सबसे मेन प्रॉब्लम है जो कम एज में बेबी हो गया है, इसीलिए डॉक्टर भी बोला टाइम लगेगा 1-2 साल ठीक होने में, बेबी फीडिंग करने छोड़ देगा फिर, तो अभी हम इग्नोर करते हैं, कोई कुछ भी बोले, जो है अपना ही है शरीर, इसको तो हम फेंक नहीं ना सकते हैं। तो चलिए गाइस ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, टाटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।